इंडिया के हवाले से आजकल बातें ये की जा रही हैं कि इंडिया जो है उसका जो जो गोल्डन ईरा है, ठीक है जी, क्या वो स्टार्ट हो चुका है? वो क्या जिन्ना अपने बाल बच्चों को पाकिस्तान में रखा था? क्यों नहीं रखा था? क्योंकि उसको पता था कि वो पाकिस्तान इस्लामिक देश का बेड़ा गर्क करने वाला है। मुंबई से अहमदाबाद तक भारत के अंदर चलेगी बुलेट ट्रेन, जिसकी स्पीड बताई जा रही है 320 किलोमीटर पर आर की स्पीड है। इसका मतलब है वो आपको और मुझे स्टोन एज में समझता है। वहाँ एक हुकूमत कब खत्म होगी, इलेक्शन की तारीख 4 साल बाद कब आएगी, यहाँ तक कि नया सदर हलफ कब उठाएगा, ये सब एक ही बार आईन में लिख दिया गया है। और आज सदियों के बाद 20 तारीख से एक दिन कभी ना आगे गया और ना ही पीछे गया। IIT यानी के इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अब दुनिया को एजुकेट करने जा रहा है। IIT के कैंपसेस UAE, अफ्रीका और कई ममालिक में खुलने जा रहे हैं। उनकी जो इकोनॉमी है वो इतनी स्ट्रांग है, सिर्फ पिछले 3 महीने में जो फॉरेन कंपनीज हैं उन्होंने $16 बिलियन की जो इक्विटी है उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया। ईमानदारी, डिसिप्लिन और जमहूरी रवैये, ये 3 चीजें ऐसी हैं कि जिन कौमों ने भी इनको पकड़ा वो तरक्की कर गईं, दूसरों से आगे निकल गईं। तो ये जनाब, ये कोई मैं जर्मनी की बात नहीं करी, जापान की बात नहीं करी, चीन की बात नहीं करी, फ्रांस की बात नहीं करी। इंडिया दुनिया का पार्स को, अगर ग्लोबल पार्स को मेयर करना हो तो कैसे करते हैं? तो हम उनकी डिफरेंट पार्ट चेस बोर्ड्स ढूंढते हैं, इकोनॉमी में कैसे हैं, डिफेंस में कैसे हैं, उसके बाद पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या है, फिर बहुत सारे एंगल्स मैयर होते हैं, आजकल पॉपुलेशन भी होता है, बहुत कुछ होता है। अब ये जो एक चीज़ है कि इंडिया के हवाले से आजकल बातें ये की जा रही हैं कि इंडिया जो है उसका जो जो गोल्डन ईरा है, ठीक है जी, क्या वो स्टार्ट हो चुका है? वो और इंडिया का जो गोल्डन ईरा है वो इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है जी, इंडिया दुनिया की 3rd लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है जी, इंडिया की जो आबादी है दैट इज़ अबाउट 1.43 बिलियन है, उसके बाद जिसे इतनी ऑलमोस्ट चाइना की है। 2050 तक ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है, जो कि UN का फोरकास्ट है, कि इंडिया की जो इकॉनमी है वो आबादी है वो 1.67 बिलियन पे चली जाएगी और चाइना की जो है वो इससे कम होकर 1.43 से कम होकर 1.31 बिलियन हो जाएगी, ठीक है जी। और ये जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि दुनिया ने इंडिया को जो जिसे कहते हैं ना कि 5-6% पे ग्रो कर रहा है, दुनिया ने इंडिया को समझना शुरू कर दिया। अब ये जो क्वेश्चन है कि क्या जनाब इंडिया का गोल्डन ईरा शुरू हो चुका है, इसकी लार्जली डिस्कशन होनी शुरू हो चुकी है। और अभी फॉर एग्जांपल ये चंद्रयान 3 जो है इसका चांद पे जाना 1 अगस्त में पहुंचेगी। अब भारतीय जनता पार्टी जो है, ठीक है, जो इंडिया की जिसे वो कह लें कि उसको जारी बात है लोग देखते हैं कि फॉर एग्जांपल जी कि एक हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडा है उनका, ठीक है जी, इंडिया दुनिया का एक वर्ल्ड्स रिचेस्ट रीजन समझा जा रहा है, ठीक है जनाब, और उनका बड़ा एक हिस्ट्री है, ठीक है। अगर आप माजी में चले जाएं कि इंडिया के को बहुत दफ़ा इन्वेडर्स ने इन्वेड किया है, ठीक है, 11वीं सेंचुरी में चले जाएं, फिर ब्रिटिश आ गए 18वीं सेंचुरी में, वो ब्रिटिश जो थे वो इंडिया को सोने की चिड़िया कहते थे, ठीक है जनाब, कि ये सोने की चिड़िया है और ये जो सोने की चिड़िया है वो उनको बड़ी अच्छी लगती थी, इतने बड़े पैसे सन, ठीक है, और जान लगे सारा लूट लूट के भी ले गए, दिस इज़ व्हाट वी टॉक। और पर्टिकुलरली अगर आप ये देखें कि शशि थरूर ने बुक लिखी, आजकल वैसे भी इंडिया के अंदर, मैं आगे जाके डिस्कस करता हूँ उस हवाले से, तो सोने की चिड़िया के हवाले से बात होती है। अब सुनने में आ रहा है कि जो जो ट्रेंड्स नज़र आ रहा है वो ये है कि BJP जो है वो समझती है कि हमें इंडिया के रिटर्न लेके आना है एक गोल्डन हिंदू प्रॉस्पेरिटी, ठीक है जनाब। और ये ऑब्वियसली आप जब इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे होते हैं, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कभी 1 महीने का रह जाता है, कभी 4 हफ्ते का रह जाता है। तो एक सिर्फ थोड़ा सा कंपैरिजन अगर आप करें इंडिया के साथ, तो वहाँ पर उनके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं आज $600 अरब से
ज़्यादा हो गए हैं वो, और उनकी जो इकॉनमी है वो इतनी स्ट्रांग है। सिर्फ पिछले 3 महीने में जो फॉरेन कंपनीज हैं उन्होंने $16 बिलियन की जो इक्विटी है उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया और उसको आए हैं वो उसमें। उसके मुकाबले में हमारे यहाँ डॉलर जो IMF से एग्रीमेंट के बाद थोड़ा नीचे हुआ था, पिछले 6 दिनों में गेन कर करके फिर वहीं पर पहुँच गया जहाँ पर वो था। स्पेकुलेटर्स ने माल बनाया। और ये जो इस वक्त पाकिस्तान में, मैं ये इसलिए आपसे वीलॉग कर रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको सुनिएगा, ये मेरी और आपकी ज़िंदगी के मुतल्लिक है। हमारे असल प्रॉब्लम क्या है, हमारी ख़राबी क्या है? हमारे यहाँ नाम तो कानून का लिया जाता है लेकिन कानून पर अमल दरामद नहीं है। इलेक्शंस होने हैं 90 दिनों में, आइन में लिखा हुआ लेकिन नहीं होंगे, नहीं हुए KP और पंजाब में। और अगर आप किसी से बात करें अब कौमी असम्बली के इंतखाब की, तो वो कहते हैं जी केयरटेकर आएंगे और वो बस रहेंगे, साल रहेंगे, और यानी हुकूमत वो काम कर रही है जो उनके ज़िम्मे नहीं है। आइन ने जिस चीज़ के लिए उनको पाबंद किया है उसकी कोई किसी तरह से भी उसकी तरफ नहीं देखा जाता। और ये बुनियादी वजह है हमारे निज़ाम के ख़राब होने की, कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व फज्ड फिगर के साथ अब $8-10 बिलियन बताए जा रहे हैं। ये जो इसहाक डार साहब ने बड़ा तीर चलाया, हर बात पे झूठ, हर चीज़ पे झूठ, हर कानून पे झूठ, झूठी उसकी तौजीहात, झूठी उसकी एक्सप्लेनेशंस। अब केयर टेकर, ये मैंने थोड़ा सा आपको जिक्र सिर्फ कंपैरिजन किया, दोनों मुल्क इकट्ठे आज़ाद हुए थे और एक वक्त था कि जब जर्मनी और चीन भी पाकिस्तान से पैसे लेते थे, लेकिन अभी क्या सूरत हाल हो गई है कि हम कशकोल लेके फिर रहे हैं और कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। कौन है इसका रिस्पॉन्सिबल जो आज पाकिस्तान की सूरत हाल है? वही लोग हैं ना जो पिछले 75 साल में बरसर इकदार रहे, चाहे वो पाकिस्तान की सियासी एलीट। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पर आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले।